हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शंस में बाइंग करते होंगे। तो जब भी लोग ऑप्शंस में बाइंग करते हैं तो सबसे बड़ा इनेमी क्या होता है? जो हमारा प्रीमियम डिके होता है, जो प्रीमियम में डिके होता है, वही हमारा सबसे बड़ा इनेमी होता है। लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि आज कितना प्रीमियम में डिके होने जा रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही चीज बताने जा रहा हूं कि डेली ऑप्शंस प्रीमियम में कितना डीके होगा, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप सिंपल आसान तरीके से सिर्फ कुछ मिनटों का टाइम देके वो सारा कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए उसी को हम इस वीडियो में डिटेल से सीखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का हमारा टॉपिक है डेली ऑप्शंस प्रीमियम में कितना डीके होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ऑप्शंस प्रीमियम को समझना पड़ेगा। अगर हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस के प्रीमियम के ऊपर बात करें, स्पेशली यहाँ पे हम ITM के ऊपर बात करें, क्योंकि हम बेसिकली आपको ITM में ही ट्रेड करने के लिए प्रेफर करते हैं। तो ITM के ऑप्शंस प्रीमियम में दो चीज होता है। सबसे पहला होता है आपका एक इंट्रेंसिक वैल्यू, और ये इंट्रेंसिक वैल्यू आपका फिक्स होता है। उसके बाद दूसरा होता है यहाँ पे आपका टाइम वैल्यू, और यही टाइम वैल्यू आपका क्या होता है, चेंज होता है। किसके साथ? टाइम के साथ ये चेंज होता है। अगर आपका एक्सपायरी में अच्छा खासा टाइम है तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम वैल्यू देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नज़दीक जाएंगे टाइम वैल्यू आपको घटता हुआ दिखेगा, और एक्सपायरी के बाद यहाँ पे टाइम वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। ये नहीं, एक्सपायरी के बाद टाइम वैल्यू को जीरो होना ही होना है। तो जो प्रीमियम में डीके होता है वो इंट्रेंसिक वैल्यू का डीके नहीं होता, क्योंकि ये फिक्स होता है। डीके किसका होता है? डीके होता है आपका टाइम वैल्यू का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा कि हम टाइम वैल्यू कैसे पता करें कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शंस प्रीमियम में कितना टाइम वैल्यू है, उसके बाद डेली कितना डीके होगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। चलिए सबसे पहले हम इसके ऑप्शन चेन पे चलते हैं और वहां पे हम टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे वो निफ्टी के ही ऑप्शन चेन पे आ गए, और अब देखिए अब एक्सपायरी में अच्छा खासा टाइम है, 19 जैन का एक्सपायरी है, यानी एक्सपायरी में यहाँ पे हमें अच्छा खासा टाइम देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम ITM स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, और वहाँ पे हमें क्या सीखना है, टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्राइस अभी आपका जो मूव कर रहा है 17,960 के आसपास मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं। तो अगर आपको टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड करना है तो कॉल साइड के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है और पुट साइड के लिए अलग फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉल साइड की तरफ बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, स्पॉट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर निफ्टी मूव कर रहा है या फिर कोई स्टॉक्स मूव कर रहा है, माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका बता देगा कि यहाँ पर हमारा कितना इंट्रेंसिक वैल्यू है। उसके बाद प्रीमियम में से अगर हम इंट्रेंसिक वैल्यू माइनस कर दे तो यहां पे हमारा क्या निकल जाएगा, प्रीमियम माइनस अगर हम इंट्रेंसिक कर दे तो यहां पे हमारा टाइम वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, टाइम वैल्यू का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको आसान तरीके से करते हैं। तो 17,900 के स्ट्राइक प्राइस पे हम ले रहे हैं, तो स्पॉट हमारा कितना है, स्पॉट है आपका 17,960 माइनस स्ट्राइक प्राइस हमने 17,900 लिया, तो 17,900 मीन्स टू 60 इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है जो कि फिक्स्ड रहेगा। अब प्रीमियम टोटल कितना, प्रीमियम आपका 170 के आसपास, तो 170 माइनस 60 डैट मीन्स टू 110 रुपये, यानी 110 रुपये यहाँ पे हमारा टाइम वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने टाइम वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं कि सारा कुछ फिक्स है, यानी ना प्राइस में मूवमेंट हो रहा है, ना ही विक्स में मूवमेंट हो रहा, ना ही डेल्टा थीटा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, जो भी कंपोनेंट है वो सारा का सारा फिक्स है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके लिए हम PPT पे आते हैं। तो यहाँ पे हम PPT पे आ गए। अब यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे आपका एक्सपायरी नज़दीक आता है
ये जो आपका टाइम वैल्यू है वो डीके फास्ट होना शुरू होता है, यानी जो प्रीमियम का डीके होता है वो फास्ट होता है। एक्सपायरी में अगर टाइम है तो कम डीके होगा, जैसे जैसे एक्सपायरी का नज़दीक आएगा ये ज़्यादा डीके होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसको आप इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं, और यही हमें दिखाना था कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम होता है और एक्सपायरी के नज़दीक आने के बाद ये ज़्यादा होता है। तो चलिए वापस से हम ऑप्शन चेन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से ऑप्शन चेन पर आ गए। अब यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, टाइम वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये टाइम वैल्यू कितने दिनों में जीरो होगा, आज आपका है 13th of January यानी फ्राइडे का टाइम है, तो आपके पास कितना दिन रहता है, हम सिर्फ ट्रेडिंग सेशंस की काउंट कर रहे हैं, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे और आपका थर्सडे यानी एक्सपायरी वाला दिन, तो टोटल आपका यहाँ पे पास कितने ट्रेडिंग सेशंस बच गया, 5 ट्रेडिंग सेशंस बच गया। और इसी 5 ट्रेडिंग सेशंस में जो आपका टाइम वैल्यू है 110 रुपीज वो पूरा का पूरा आपको डीके होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू फिक्स है। तो यहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 110 डिवाइडेड बाई 5, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपका जो आएगा लगभग आपका 22 रुपीज के करीब डेली प्रीमियम डीके हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम ऑन एन एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या डेली आपका 22 रुपीज ही ऑप्शन प्रीमियम डीके होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको जो वो चार्ट दिखाया था वो दिखाने का मकसद क्या था कि इनिशियल में कम होता है और जैसे जैसे आपका एक्सपायरी नज़दीक होता है ये आपका फास्ट डीके करता है। यानी यहाँ पे जो 22 का एवरेज है, फ्राइडे को आप इसको 10 ले सकते हैं, 10 रुपीज़ का डीके होगा आपका। मंडे और ट्यूसडे, मंडे को 15 ले सकते हैं, ट्यूसडे को 20 ले सकते हैं, वेंसडे को 30 ले सकते हैं, जो बाकी बच गया वो आपका एक्सपायर के दिन आपका डीके होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज 20 भी लेते हैं तो भी आपका ठीक ठाक रहेगा। अब यहाँ पे हमने तो फाइंड कर लिया कि डेली ऑप्शंस प्रीमियम डीके कितना होगा, और इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, एक सिंपल मेथड बताऊंगा, बाकी आप मैनुअली कैलकुलेशंस भी मिनटों में कर सकते हैं, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता इसमें। नहीं तो एक सिंपल सा मेथड है जो कि कई जगह पर अवेलेबल है, जो कि आपको ईजिली बता देगा थीटा के जरिए कि हमें कितना आज टाइम डीके देखने को मिलेगा, यानी प्रीमियम में डीके देखने को मिलेगा। तो हमने ये तो देख लिया, ये तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन सिर्फ इतना कैलकुलेशन से हमें प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट हमें कब मिलेगा, अगर हमें किसी को ये इन्फॉर्मेशन दे तो हमें कोई प्रॉफिट मार्केट से बना के नहीं दे सकता। हमें प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन ट्रेडिंग में करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और इसका भी मैं आपको सिंपल सा लॉजिकल आंसर देने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो आपका टाइम वैल्यू रहता है या फिर जो प्रीमियम में जो डीके होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो आपका विक्स होता है। तो चलिए सबसे पहले हम विक्स के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इंडिया विक्स को भी समझने के लिए ले सकते हैं। अगर आपका विक्स कम है, डैट मीन्स टू जो आपका प्रीमियम में डीके होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम होता हुआ दिखेगा, प्रीमियम में डीके यहाँ पे आपको लेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इंडिया विक्स के चार्ट पे आ गए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया विक्स का आपका डिफरेंट डिफरेंट रेंज है। हाईएस्ट रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग आपका 20 के आसपास वाला है, और लोएस्ट रेंज आप देख सकते हैं 13 के आसपास वाला है। अब यहाँ पे इंडिया विक्स हमें ऑप्शंस के प्रीमियम को कैसे इंपैक्ट करता है ये भी समझने की जरूरत है। अगर विक्स आपका नीचे से ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, डैट मीन्स टू यहाँ पे ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो भी हमें थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टाइम वैल्यू है वो आपका डीके नहीं होगा, टाइम वैल्यू भी आपका बढ़ता हुआ दिख जाएगा। तो जब आपका विक्स नीचे से ऊपर जा रहा वो परफेक्ट टाइम होता है किस चीज़ का, ऑप्शंस बाइंग का। वहाँ पे अगर आप ऑप्शंस बाइंग करेंगे और स्पॉट में ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं आता है फिर भी आपको थोड़ा बहुत ऑप्शंस में प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। तो इसी के लिए आपने कई बार देखा होगा कि अगर स्पॉट में मूवमेंट नहीं भी होता फिर भी आपका प्रीमियम बढ़ता चला जाता है, और वहीं अगर आपका विक्स कांस्टेंट हो गया या फिर विक्स आपका ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पॉट आपका फिक्स होने के बावजूद भी प्रीमियम डीके आपका फास्ट होता है। तो विक्स अगर घटता है तो प्रीमियम डीके तेजी से होता है, और विक्स अगर आपका ऊपर जाता है तो प्रीमियम डीके थोड़ा सा कम होता है। तो इसी के लिए कई बार आप रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे कि स्पॉट में कोई मूवमेंट नहीं है फिर भी हमारा प्रीमियम डीके ज़्यादा हो रहा है, तो उसके पीछे का विक्स ही मेजर फैक्टर है। बाकी हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम वापस से ऑप्शन चेन पे आ गए, और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे हम फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसका हम सिंपल तरीके से कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमने 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन यहां पे हमने लिया था। हम यहां पे सिर्फ कॉल साइड की तरफ बात करें, पुट साइड की तरफ भी हम फॉर्मूला आपको जस्ट बताने वाले हैं। सबसे पहले ये सारा कॉन्सेप्ट को यहां पे हम खत्म कर लेते हैं। तो हमने यहां पे क्या देखा था कि हमारे पास जो टाइम वैल्यू था वो 110 का था, ऑन एन एवरेज यहां पे हमने कितना लिया था, 22 रुपीज के आसपास डेली डीके करेगा। लेकिन यहां पे आप थीटा के जरिए भी आप फाइंड कर सकते हैं कि डेली प्रीमियम में कितना डीके होगा। तो यहां पे थीटा इसका लगभग 10 रुपीज, 9 से 10 रुपीज के आसपास है, यानी आज यहां पे हमें 10 रुपए का प्रीमियम डीके देखने को मिल सकता है 17,900 के स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल ऑप्शंस में। तो ये भी हमें बताया, तो मैंने क्या बोला था, इनिशियल में कम होगा और जैसे जैसे आपका एक्सपायरी नजदीक आएगा ये आपका थीटा थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख जाएगा। तो इसी के जरिए हम ऑन एवरेज निकाल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे पुट साइड की तरफ वो फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि हम इसके बाद जस्ट इसके इम्प्लीमेंटेशन पे ऊपर आ रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हम ट्रेडिंग में कैसे करेंगे, तो इधर मैंने आपको क्या बताया था, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ये फॉर्मूला था आपका किसके लिए, कॉल वालों के लिए। लेकिन इधर हमें क्या करना, इधर हम सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस को रखते हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइस हम ले रहे हैं वो रखते हैं, और माइनस स्पॉट इन जिस भी प्राइस पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक्स देखने को मिला वो करते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलता है, इंट्रेंसिक वैल्यू। जैसे इंट्रेंसिक वैल्यू मिल गया, हम प्रीमियम में से इसको माइनस करके हम टाइम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए, हम हमेशा किस में बात करेंगे, आईटीएम पे बात करेंगे, तो प्राइस आपका 17,958 के करीब है, तो आपका इसके ऊपर वाला सारा का सारा आपका आईटीएम कहलाएगा। तो अभी हम यहां पे क्या बात करते हैं, 18,000 के स्ट्राइक प्राइस की बात कर लेते हैं, ये सारा मैं हटा रहा हूं, स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या रखना है, स्ट्राइक प्राइस। तो पुट साइड की तरफ अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या रखना होगा, 18,000 माइनस स्पॉट, दैट मींस टू 17,960 रखना होगा, यानी दैट मींस टू 40 रुपीज यहां पे हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू आ गया। और इसका प्रीमियम कितना, हमने यहाँ पे 40 कैलकुलेट कर लिया, प्रीमियम है 110 के आसपास, 110 माइनस 40 डेट मीन्स टू 70 रुपीज यहाँ पे हमारा टाइम वैल्यू आ गया। और ये टाइम वैल्यू कितने दिनों में खत्म होगा, 5 डेज में, तो इसको 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 14 रुपीज डेली यहाँ पे आपको डीके करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन 17,000 लेकिन यहाँ पे अगर हम 18,000 की बात कर ले तो इसका थीटा लगभग 9 रुपीज के आसपास, यानी आज यहाँ पे 9 से 10 रुपये करीब प्रीमियम डीके होगा। लेकिन ऑन एन एवरेज आप 14 यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, इनिशियल में थोड़ा सा कम होता है और जैसे जैसे टाइम बीतता है ज़्यादा होता है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि 17,900 के कॉल ऑप्शंस का एवरेज प्रीमियम डीके आपका 20 के आसपास है, और 18,000 के पुट ऑप्शंस का एवरेज प्रीमियम डीके आपका 14 रुपीज के आसपास है। तो अब अगर हमें 17,900 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शंस को बाई करना है तो हम किस कंडीशन में बाई करेंगे, यानी इसका हम ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो प्राइस अगर हमें लगता है कि 17,950 से ऊपर जाएगा तभी यहां पे हमें कुछ प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। अब ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो जितना आपका डेली प्रीमियम डीके है स्पॉट में, अगर आपको कितने पॉइंट के बाद प्रॉफिट मिलेगा ये कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा मेथड है कि आप यहां पे क्या कर दीजिए, इससे डबल कर दीजिए, यानी अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज का अगर हमें मूवमेंट स्पॉट में देखने को मिलता है तभी हमें यहां पे 20 रुपीज का मूवमेंट देखने को मिलेगा और तभी हमें कुछ यहां पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा, अदरवाइज हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, हम यहां पे 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस तभी बाई करेंगे जब हमें क्या लगेगा कि इसका प्राइस 17,950 से भी ऊपर जाएगा। अगर हमें लगता है कि ये 17,950 के आसपास ही रह जाएगा, इससे ऊपर जाने वाला नहीं है, तो क्या हम 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे, नहीं बाई करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ऑन एन एवरेज डेली 20 रुपीज के आसपास प्रीमियम डीके होगा और 50 पॉइंट के मूवमेंट पे हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना कि डीके देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये चीज़ फाइंड करके फिर ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो आप अपने लिए सटीक फॉर्मूला या फिर सेटअप तैयार कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शंस की बाई करें तो यहाँ पे प्रीमियम डीके आपका 14 रुपीज के आसपास है, यानी अब यहाँ पे हमारा जो एवरेज टाइम वैल्यू डीके या प्रीमियम डीके जो बन रहा है वो 14 रुपीज के करीब बन रहा है। तो इसके लिए हमें स्पॉट में कितना मूवमेंट चाहिए, स्पॉट में एटलीस्ट हमें मूवमेंट चाहिए 30 पॉइंट से ज़्यादा का, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप श्योर हैं कि आपकी फेवर मार्केट 30 पॉइंट से ज़्यादा मूव करेगा तो आप यहां पे इस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पे पुट ऑप्शंस बाइंग करना अवॉइड करिएगा। तो अगर आप ये सारा कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद
थोड़ा सा मेहनत करने के बाद अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो यहाँ पे भी ऑप्शंस बाइंग में भी आपका जो टाइम डीके जो दुश्मन कहा जाता है वो आपके लिए दुश्मन साबित नहीं होगा, क्योंकि ये कितना डीके होगा उसके बारे में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, चाहे आप थीटा के जरिए ले लीजिए या फिर मैनुअली कैलकुलेशन के जरिए ले लीजिए। मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से बताया है और ये काफ़ी आपको काम आने वाला है अगर आप इसका सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।